अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चांद रात व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो ये मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग चांद रात का। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सो देखें क्या क्या होता है इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोज़ आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और अभी हम जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स कट करने सिवाई के लिए, और मैंने दिन में ही मेहंदी लगा ली थी एक हाथ में, तो ये कुछ ज़्यादा भी कलर इस पे आया नहीं है। और हम अभी इस हाथ में लगाएंगे, मतलब रात में लगाएंगे इस हाथ में। ऑब्वियसली अभी सबको लगाना है, बस हिफ्जा ही को मेहंदी लगा है। तो हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं, देन मिलते हैं आपसे। क्या बोले? सो गाइस, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। और अभी जोया सड़े नहीं, अभी जा भी रही, इनके पापा नीचे खड़े, तो चलिए नीचे ड्रॉप करते हैं। बाय जोया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं। कैश्यू है, आलमंड, खुरमा, किशमिश, नारियल। और किचन में हो रही है सेवई की तैयारी। यहाँ पे सेवई का हो रहा है प्रिपरेशन, और इसमें है दूध और घी और चीनी। अभी हम इसे बॉईल करेंगे। अब ये बॉईल, हम लोग यहाँ पे रीडस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले हो चुका था बट आज भी कर दे रहे हैं, ताकि सब चीज़ बिल्कुल क्लीन क्लीन दिखे। फिर उठे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से होगा ना। और यहाँ पे भी ये भी डालना। यहाँ पे हो रही है सिवाई की गार्निशिंग। और यहाँ पे इसके सही जगह पे पहुँचाया जा रहा है। बस सब क्लीनिंग डन है, हमजा इफ्जा सो रहे हैं, और बस सुबह उठ के हम बेडशीट चेंज करेंगे। अभी बस झाड़ू और पोछा लगेगा। मैंने जो है अपना नाइट सूट पहन लिया है, और जो ईद है तो वो तो पिंपल्स आने ही। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा फेस वॉश करूँगी, देन मैं ऑयलिंग करूँगी बाल में, क्योंकि कल फिर हेड वॉश करना है, तो ऑयलिंग करूँगी। और मेरी मेहंदी देखी, और मुझे पीछे लगाने, इस हैंड में बस मैं कैप लगाऊँगी बस। और फिर सोते सोते तो 2 से 3 बज ही सकते हैं, तो जो चीज़ मिलता जाता है मैं ऐड करती जाऊँगी। ईद का अलग से ब्लॉग डालूँगी। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, लग ही नहीं रहा चांद रात है, कोई जग ही नहीं रहा। पे हमारी स्टेयर्स खाला ने धुल दिए। इग्नोर मई चप्पल, मैंने खाली का पहने। सब कुछ बिल्कुल क्लीन क्लीन, और बाहर का नज़ारा तो देखें, सब कुछ बिल्कुल शांत शांत। यहाँ पे अप्पी लगा रही है हिफ्जा का लेस, जो हम लोग बिल्कुल भूल चुके थे, और ये बहुत खूबसूरत है। हिफ्जा का आउटफिट भी ब्लैक है। अभी सारे आउटफिट निकालने हैं हमारे, ज्वेलरी निकालने हैं ना अप्पी। और फिर यहाँ पे
पे अभी मेहंदी है, फिर हम मेहंदी लगाएंगे। और यहाँ पे बाकी अप्पी निकाल के अप्पी ने रख दिया है, जो जो सामने दिखा काला का दुपट्टा, ये रुक्षा अप्पी का शायद, पता नहीं। और अभी हम करेंगे पता नहीं क्या, लगे रहें लाइक व्लॉग में बने रहें। गाइज यहाँ पे मेहंदी लगाते लगाते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो मैंने सोचा अब ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि मुझे ईद का ब्लॉग भी सेपरेट अलग से शेयर करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना गाइज।